3,12,000 रुपए इस बाइक का आप एडवांस पेड कर सकते हैं, छोटा सा आपको DRL देखने को मिल जाता है। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज आपके लिए यामाहा R3 का रेप्लिका लेके आया हूँ, 250cc सिंगल सिलेंडर में। और बाइक देखें तो बड़ी लश कंडीशन में बाइक अवेलेबल है। और सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आपको इसके एक एक पार्ट्स दिखाएं कि आप घर बैठे अंदाज़ा कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो ओरिजिनल कलर है वो ब्लू है, इसके ऊपर रैप हुआ हुआ है और बड़ी खूबसूरती से रैप हुआ हुआ है और बहुत ही कमाल का रैप हुआ हुआ है। और ये बाइक भी हमने सोल्ड किया था और इसकी समझ लें कि पेंट की भी हमें पता है कि जो कंडीशन है वो भी ज़बरदस्त और लश है, कि ये नहीं कि इसका आप ये रैप उतारेंगे तो नीचे से ही इस तरह की आपको कंडीशन रफ नहीं मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट टायर से, कि टायर भी देखें आप, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि 10x9 आप इसकी लाजमी बात है कि 2 साल बाइक चला हुआ है तो टायर भी चलेगा। और इसकी आप फ्रंट लुक देखें, छोटे से आपको डेवल आइज यहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल छोटी सी यहाँ पे आपको वाइट कलर का DRL मिलेगा। और R3 में ज़्यादा जो आता है यहाँ पे भी एक छोटा सा आपको DRL देखने को मिल जाता है। और अब इसकी मैं आपको फ्रंट पर लाइट चेक करवाता हूँ। फ्रंट लुक इसकी बहुत ही कमाल है, ये इसका पास बटन देखें, बहुत ही कमाल का डिपर है जिसको हम डिपर बोलते हैं जी, ठीक है। उसके बाद अब इसको आपको दिखाते हैं इस साइड से इसकी फेयरिंग, कि किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं है। जैसे मैंने बताया रैप हुआ हुआ है, बड़ी खूबसूरती से रैप हुआ हुआ है। इंजन की तरफ देखें तो 250cc सिंगल सिलेंडर ज़ोंगशोंग का इंजन मिल जाता है, और ज़्यादा जितनी भी रेप्लिका आ रही है उसमें ज़ोंगशोंग का इंजन ही ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट की बात करें तो आफ्टर मार्केट AC का एग्जॉस्ट लगा हुआ है जिसका साउंड भी बड़ा ज़बरदस्त है। बैक टायर देखें, बैक टायर भी आप देख सकते हैं 10x9 कंडीशन है, ये नहीं है कि आपको लेके टायर डलवाना पड़ेगा, ऐसा कोई मामला नहीं है। इसकी बैक टेल बड़ी खूबसूरत है, आप बैक टेल सबसे पहले इसकी बैक लाइट देखें, जिसके अंदर छोटा सा बैक लाइट में भी समझ लें कि एक DRL है ब्लू कलर का। और ये इसको मैं पुश करता हूँ, ये लाइट ऑन हो जाती है। और यहाँ पे आप इसकी टेल देखें, टेल भी इसकी बड़ी खूबसूरत है और रजिस्टर्ड बाइक है, ऑल पंजाब का नंबर लगा हुआ है आफ्टर मार्केट, यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको साउंड टेस्ट करवाता हूँ, फिर इसकी लेफ्ट साइड भी आपको दिखाऊंगा। टू फिफ्टी के मुताबिक जबरदस्त साउंड है। और अब बात करते हैं इसकी रेयर डिस्क ब्रेक की, आप डिस्क ब्रेक देखेंगे आपको बैक साइड पे सिंगल डिस्क ब्रेक मिलती है सिंगल कैलिबर पिस्टन के साथ। और अब इसकी बात करते हैं फ्रंट की, फ्रंट डिस्क ब्रेक जो होती है डबल कैलिबर डबल पिस्टन के साथ ड्यूल आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। जो इसका कंट्रोलिंग सिस्टम होता है 60% फ्रंट होता है और 40% रियर होता है। और अब आपको दिखाता हूँ इसकी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से भी देखें किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं है, नीट एंड क्लीन बाइक। आप सबसे पहले इसकी चैन गरारी भी देखें, आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि बाइक बहुत कम चला हुआ है। और टायर की कंडीशन इस साइड से भी आप देख लें कि टायर की कंडीशन भी ठीक ठाक है, किसी किस्म का मसला नहीं है। अब आपको इसका दिखाता हूँ मीटर, अगर तो आप ओरिजिनल बाइक भी देखें R3 जो 300cc में आती है उसका भी मीटर इसी तरह का लगा होता है, ये मीटर कुछ आपको इस तरह वेलकम करता है। और इसकी माइलेज देखें, 5,049 किलोमीटर समझ लें कि 5,100 किलोमीटर ये बाइक चला हुआ है। यहाँ पे ये बता रहा है कि इसका फ्यूल कितना है, 1, 2, 3, 4 सेल इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे इसका RPM आ जाता है, यहाँ पे इसका गियर सिस्टम आ जाता है, यहाँ पे किलोमीटर शो करता है, यहाँ पे टाइम भी शो करता है। तो ये व्यूवर्स आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन बताई है बाइक के मुतल्लिक। तो मैं तो ज़्यादा आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी बाइक परचेज करना चाहे उसको फिजिकली जब तक आप बाइक को नहीं देखेंगे उसमें अच्छा फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रीन पे देखना और एक चीज़ को सामने देखना ये बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है।
तो मेरा काम है आपको बताना कि हमारे शोरूम पे किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है। तो अगर आप इस बाइक में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे नंबर मेरा शोर है, देख के आप रब्ता कर सकते हैं। अब जो ज़रूरी बात है इसकी प्राइस, प्राइस इसकी जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो 5,20,000 रुपये कर रहे हैं, बहुत ही मुनासिब प्राइस है और कम बजट में आजकल बाइकें बहुत ही कम मिल रही हैं और इतनी ज़बरदस्त कंडीशन में है कि आप इसको इंशाल्लाह फिजिकली भी देखेंगे तो आप इसको परचेज़ करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आपको पता है हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान भी होता है 60-40 वाला, 3,12,000 रुपये इस बाइक का आप एडवांस पेड कर सकते हैं और 34,666 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट पेड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के लिए एक आपने बकाया रकम का चेक देना होता है गारंटी के तौर पे, जो आप इंस्टॉलमेंट क्लियर करते हैं आपको रिटर्न हो जाता है, और घर का बिजली का बिल ज़रूरी होता है जहाँ से हमारा आपका एड्रेस कन्फर्म करना होता है। अगर आप बाइक लेने में इंटरेस्टेड हैं तो देख के रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।